ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बची बेटी पढ़ी बेटी सिलेक्ट हुई और आज बेटियां, इसमें महिला बिल्कुल स्पष्ट बोल रही कि हम पढ़े हैं और हमने जो बेटियां बचाई भी हैं और हम सिलेक्ट भी हुए हैं। आगे देखो ये क्या कहना चाहती है और अपने हक के लिए इन्हें क्या क्या करना पड़ रहा है, आपके सामने बिल्कुल प्रूफ है। सड़कों पे है, 7 दिन में अनशन पे बैठी, मुख्यमंत्री ने या किसी भी मंत्री ने आके देखा नहीं। अगर मेरे हस्बैंड नहीं है, अगर मैं भी मर जाती तो मेरे बच्चों को कौन पालता? उस दर्द को आप ना महसूस करो। आप मतलब कि ये जो सिलेक्टेड महिला है या हमारी सिस्टर हैं, ये कहना चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड नहीं हैं और बाय चांस मेरे साथ भी कोई घटना हो जाती है तो मेरे बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा। इनका सिलेक्शन हुआ, संस्कृत की पुरानी भर्ती है, 2 साल से अटकी हुई है, तो इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम दे रहे हैं। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, आगे की घटना सुने, इनके साथ क्या हो रहा है और आपके सामने है। ज्ञापन दिया आपको, आपका काम पूरा हो गया, ये मत सोचो, ये सोचो मेरे जैसी। एक मिनट पहले आप मेरे को बोलने दो, नहीं बोला मैंने। मेरे जैसी कम से कम 30-35 लेडीज हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, और वो क्या खिलाती है अपने बच्चों को, कैसे पालती है? सर प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और वहाँ पूरा दिन काम करने के बाद क्या मिलता हमें? 100 रुपए। अगर हम दिहाड़ी पे जाते हैं, हम पढ़े लिखे मजदूर हैं, 100 रुपए में, और अगर हम सड़क पे काम करते तो हमें कितनी दिहाड़ी मिलती? 300 रुपए। यानी कि पर क्या तो बेटियों की वैल्यू खत्म, 300 रुपए से 100 रुपए आ गए। और अब आप जब अन्याय की गुहार करते हैं तो हमें एक बार झूठा झूठा आश्वासन मिला है। मतलब कि झूठा आश्वासन, 2 साल से भर्ती जो आपकी अटकी हुई है, संस्कृत से रिलेटेड भर्ती है। तो दोस्तों आप सभी हमें कमेंट करके बताना सरकार क्या सही कर रही है, क्या सरकार को आगे क्या करना चाहिए, हमें आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और दोस्तों अगर किसी के साथ कोई पुरानी भर्ती है, उसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया या फिर वो भर्ती रुकी हुई है किसी कारणवश, तो हम भी आपकी आवाज़ उठा सकते हैं। आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं और विद प्रूफ देना, तो तभी आवाज़ उठती है। देखो इसने बहुत अच्छी मेहनत की है इन सभी ने, और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो संस्कृत की भर्ती 500 कुछ कैंडिडेट है, उसमें से बहुत ज़्यादा महिलाओं का सिलेक्शन हुआ है, ये सभी एक हैं। और योगेश्वर दत्त जो खिलाड़ी हैं, अभी चुनाव हुआ है, उन्होंने इनसे मुलाकात की है और इन्हें आश्वासन भी दिया होगा, ऐसी बात नहीं है। तो अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो फिर से मैं यही बोलूँगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।